सुबह है, बस होके उठी हूँ। ऑर्डर आया है H&M से मेरा, भाई बंदा आया जो मन में कुछ कुछ बोल रहा, मैं कहा भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहा दे दे मुझे, मैं हिंदी में कहने लगी, मैं कहा भाई मी मी आए मैं हूँ मुझे दे दे। दो तीन मिनट अजीब से कॉन्वर्जेशन हुई, उसके बाद मैंने ले लिया। फाइनली आई ऑर्डर समथिंग फ्रॉम H&M, H&M इज़ माई फेवरेट ब्रांड, ज़ारा भी, बट H&M इज़ मोर इकोनॉमिकल, तो मैं ज़्यादा इससे लेती हूँ। पहली बार जो मैंने ऑर्डर किया, गाइस किसके किसके मम्मी पापा दादा दादी बोलते थे कि हमें स्कूल जाना होता था, सामान लेने जाना होता था, हम बहुत नदी किनारे नदी पार करके तो पहाड़ों से चढ़ के कूद के जाते थे। मैं हूँ वो दादा दादी, मैं जा रही हूँ, लुक एट मी। तो आज ज़्यादा फ्री टाइम था, कॉलेज ख़त्म हो गया जल्दी, दोपहर के से 12 बजे थे, तो आई हैड नथिंग टू डू होल डे टू माई सेल्फ, आई थॉट चलो ग्रोसरीज लेते हैं। तो ग्रोसरी लेने के लिए मैंने सर्च किया कोई सस्ती जगह अच्छी, भाई दिखा रही है, देखो कहाँ से जा रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहूँ, गूगल मैप्स फॉलो करके बस कहीं कहीं जा रही हूँ। इमेजिन यू लिविंग अ लाइफ जिसमें तुम अननोन वेज पे चले जा रहे हो, बस कहाँ हूँ पता नहीं, कौन सी गलियों के बीच से मैं जा रही हूँ, किधर होपफुली आ जाए, गूगल मैप के भरोसे चले तो जा रही हूँ, बहुत दूर आ गई हूँ मैं कॉलेज से, अननोन वेज एंड बैटरी भी थोड़ी कम है, तो थोड़ी दोपहर का टाइम है तो फट तो नहीं रही, इट्स ऑल सेफ हियर। बट गाइस से आ गया है आर्ली सूर, बट आई जस्ट टेक डाउन मैप्स, मेरा यहाँ से घर भाई 1 घंटा दूर है पैदल, एंड यहाँ पे कोई है नहीं ट्रेन बस आज सच, जहाँ मैं पहुँच गई हूँ पता नहीं कौन से नदी किनारे कौन से गांव के बीच में आ गई हूँ। अब 1 घंटा मुझे सामान ढो के उठा के घर जाना है, ज़्यादा नहीं उठा सकती भाई, क्या ठंड में लेबर हो रहा है मेरा, अभी मेरे पास ये थैला और इतना सारा सामान ले लिया, पता नहीं कैसे उठा के जाऊँगी। इस अलोन लाइफ को मस्त लाइफ बोलूँ क्या बोलूँ, घर कितने प्यारे यार, मैं तो अगर लोगों को 1 महीना हो गया घूरती रहती हूँ कि वाह यार क्या मस्त कपड़े पहने हैं, क्या मस्त दिख रहे हैं, क्या सुंदर से घर हैं। हाँ बहुत भारी सामान उठा लिया, हाथ थक गया है, बड़े भी ले लिया था उधर मिल रहा था, बेकरी इनकी ग्रोसरी स्टोर में ही होती है, तो उसमें क्रॉस और ले लिया, इसके अंदर स्पिनच और चीज़ है, स्पिनच और चीज़ मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है, दोस्तों आप इन फॉलोइंग में मैं मस्त हूँ, मशरूम स्पिनच ऑमलेट खाती रहती हूँ जिसमें चीज़ डाल के मस्त है। अभी मैंने मैप पे देखा, मैं अकेले ही एक्सप्लोर कर रही हूँ, मैं पहली बार ऐसा लग रहा है, बट मैप पे देखा कुछ 2-3 बस कनेक्ट करके मैं घर पहुँच सकती हूँ, तो मैं पूछ के घर पहुँचूँगी। तो बाय गाइस, मुझे बस मिल गई, भारी सामान उठा के पहुँच चुके हैं हम घर, अब जाके करेंगे कुकिंग। क्या कर रही हूँ मैं, मास्टर्स इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट, नहीं मैं कर रही हूँ मास्टर्स इन लाइफ, हाउ टू लिव अलोन, हाउ टू कुक, हाउ टू ब्ला 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 ब्ला, हाउ टू बेसिकली एवरीथिंग अलोन। ओके ओके, दिस मेक्स इट स्ट्रॉन्गर नो। एक नई चीज़ आइए बता देती हूँ, कर रही हूँ तो मैंने हल्का बता ही दूँ, जो मेरे से पार्टी आने वाले हैं यहाँ पे, दिस इज़ समथिंग कॉल्ड रेडियो टैक्स, जो हर एक इंसान को देना होता है जो भी एडल्ट होता है अपार्टमेंट में रह रहा होता है। रेडियो टैक्स बेसिकली एंटरटेनमेंट टैक्स, अब टीवी देखो ना देखो ये देना ही पड़ता है सबको, तो अकेले रहते हो अकेले देना होता है, बट इफ़ यू लिविंग विद पीपल लाइक आई एम लिविंग इन अ वेके, सो मेरे को शेयर करके जो टोटल अमाउंट है उसको डिवाइड करके देना होगा। सो इसकी वेबसाइट खोली है एंड नाउ इसमें मुझे इनको नोटिफाई करना है दैट आई एम ऑलरेडी लिविंग विद सम पर्सन एंड वन ऑफ देम इज पेइंग, तो ये भी कुछ वक्त जो दी करने होती है, ठीक है। So this is one of my favorite supply chain class, and because it always contains some kind of games or simulations, and this is my team. We are working together. I've done my part. We have made this car here. Of course, car banana नहीं सिखा रहे, but then कुछ learnings आती हैं इसके थ्रू. These are the groups. हम गाइस आपको एक्टिविटीज समझा देती हूँ, हम तीनों ग्रुप्स को लाइक 1, 2, 3 वी हैड टू डू मेक दिस, बट हम तीनों के पास अलग अलग चीज़ें थी, मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ब्लॉग में, बट ओके, तो वी वर जस्ट गिवन द रिटन थिंग्स द स्टेप्स टू क्रिएट दिस, दिस ग्रुप वॉज गिवन जस्ट द फोटो शो, they were given photos, they just had to create this on the basis of photos, whereas this group 2 was given the combination of photos and text. So according to our study in supply chain, the result is that the ones with the photos
they are the top tier ones. They make it the most fast. The one with the combination of photo and text are usually the second. We who just have the text do the third. So this is like a observational simulation study. Anyway, this is the classroom and yeah. I like this. I mean, ज़्यादा जब कुक करने का मन ना करे तो टॉटल ना निकालो. ये इतना भी अनहेल्दी नहीं है. इट्स लाइक जस्ट लाइक मोमोज बट नॉट मोमोज, मच हेल्दियर देन दैट, बिकॉज ये सूजी सेमोलिना का बना है, इसके अंदर क्रीम चीज़ एंड ब्लाबला है. इंग्रीडियंट जैसे दिखा नहीं सकती जो मन में ले गया. बट वट यू हैव टू डू इज जस्ट बॉइलिंग हॉट वाटर में 7-8 मिनट्स के लिए इनको बॉयल करना है एंड दे आर रेडी. इसके साथ आई एम गोना ईट, आई जस्ट बॉट दिस फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम एशियन मार्केट. दिस सिराचा सॉस एंड सिराचा मेयो सॉस. सो एकदम मोमोज वाली वाइब्स, बट अगेन फॉरेन में, दैट टू इन अ वेरी हेल्दी मैनर. सो like it. So Katrina went for the weekend to her parents' place in Ingolstadt, and look what she got me, a cake. And it looks very different than the normal cakes. Like, it has like a cream. Is it like a cream layer? Yeah, it's a cream. Cream layer over the bread. Thank you so much, Dankeschön. Because her father, your father owns the bakery? Yeah. What's the name? Bekharai Bawa. Okay, this is the name of the bakery, yeah. In Ingolstadt. Yeah. Okay, let me just try and tell how was it. Guys, it's very yummy, like very very. ऐसा लग रहा है जैसे देसी घी में बना. It's like loaded with nuts and the creamy nuts flavor it has, like very yum. Hi guys, long time. So here I am. देखो fall हो रहा है मस्त. Leaf दिखाइयो कोई बढ़िया. और यहाँ पर अगर हमने देखा पहली बार yellow leaves, ये मैंने सबसे कचरे वाली उठाई है. But anyway, meat आना. We nice Sargika, my friend from India. Hi. So we are on a hunt of a flat, of a room for her. So पहले मैं बहुत रोई थी अपने लिए, but by God's grace, but by God's grace मुझे तो मिल गया था आने से पहले, just थोड़े दिन पहले. Yeah, ये शो. But now she has landed. अभी तो ये मेरे यहाँ रुकी हुई है, but of course she cannot for so long. So अब हम निकल चुके हैं हंट पे इसके लिए, रूम देखने के लिए. फिर से रोना शुरू और फिर से सर्दी शुरू. एकोमोडेशन प्रॉब्लम कैन नेवर नेवर एवर एवर बी सॉल्व इन जर्मनी. नहीं नहीं आइए तो स्नैप बना रही हैं आसपास की. मैंने तो मैंने कर दी हाँ कि स्नैप्स बनाना. थोड़े दिन में तो कॉमन लगने लग जाता है कि हाँ यार सुंदर है, पता है सुंदर है. एनीवे दोबारा से मेहनत और हंट शुरू अब घरों की. भाई बहुत सरदर्दी, एक्सट्रीम सरदर्दी है. ट्रेन छूटेगी ना फिर पकड़ते हैं ट्रेन, देखने जाते हैं. सी यू लेटर. ये वाली ट्रेन आई डोंट नो द नेम, बट इसके अंदर देखो कैफे भी है, प्लस दिस इज लाइक डबल डेकर. This is like one of the finest of trains in Europe. Westbahn 80. Okay, I think this is coming from Austria. I literally want to sit inside it once. And as हम निकले थे इसका लिए रूम देखने के लिए, हमें मिल गया है that to student dormitory में. So आ जाओ जल्दी. But this train is so nice, no? Guys, मैं बहुत खुश हूँ. पूछो क्यों? क्योंकि मेरा आई कार्ड खो गया था और उससे मैंने 20-30 रुपये रिचार्ज करा रखा था. रिचार्ज इसलिए क्योंकि हमारे स्टूडेंट आई डी कार्ड से ही मेंजा मतलब कैंटीन में खा सकते हैं. ये देखो यहाँ पर पड़ा हुआ है. मैं बहुत खुश हूँ. मैं इतना परेशान हो रही थी इसके लिए इतना. वैसे तो आदत तो हुई थी अकेले रहने की, पर अकेले बनाने में ना थोड़ी बोरियत होती है ना सर की कार के, तो मैं दो दो चीज़ें बना रही हूँ, तो इसलिए मतलब ऐसा लग रहा है मेहनत फ्रूटफुल हो रही है. तो दो लोगों का ही होता है. सो भी मैंने बनाया है टॉटिया रैप. इसके अंदर मैंने अंडे की लेयर चिपकाई है, उसके ऊपर मैंने सॉल्टेड कैप्सिकम्स, मशरूम्स एंड मेयो वगैरह डाला. अब मैं इसको अच्छे से रैप कर दूंगी और उसके बाद मैं ओवन में करूंगी बेक. दिखाती हूँ. अपने एस्टिमेट से, क्योंकि मैं तो घर पे ओवन में नहीं था तो मैं पहली बार यहाँ यूज़ कर रही हूँ. बट मैंने पहले भी बनाया था, बहुत अच्छा बना था. सो आई कैन टेल, मैं इसको सिर्फ 5 मिनट्स के लिए बेक करती हूँ, दैट टू ऑन मतलब ऊपर नीचे पूरी सराउंडिंग एयर से. आई डोंट नो द टर्म्स, ओके डोंट जज. तो इसको क्या 180 170 180 पे 5 मिनट्स बेक करती हूँ एंड इट टर्न्स आउट रियली ग्रेट. बनने के बाद दिखाएंगे. ओके बाय. ज़्यादा एस्थेटिक और प्लीजिंग दिख नहीं रहे हैं, बट आई होप टेस्ट अच्छे करें. सो शी इज टेस्टिंग एंड टेलिंग. बताओ बताओ कैसे. Different something. हमारी सुबह की एक अच्छी सुबह से हम अब एक फुलफिलिंग और हैवी मील खा रहे हैं. अभी तक हमने दोनों ने मूसली खा रखी थी सर. ये मैडम खाती है दूध में मूसली, मैं खाती हूँ ग्रीक योगर्ट में मूसली,
एकदम इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन थी बड़ों के पायलट एस एंजॉय द मील. गाइस आई कान गेट इन ऑफ द डोनर्स. तो यहाँ पे आज एक बंदा था जो हिंदी भी बोलता था, तो मैंने उसको बोला कि भाई सो यू कैन नॉट पुट फ्राइड वेजिटेबल्स व्हेन यू आर हैविंग दिस चिकन वाला डोनर. पर मैंने उसको बोल के बैंगन आलू पता नहीं क्या क्या डलवा दिया. मस्त हिंदी में बात करी, मज़ा आया. एंड एवरीबडी इज हैविंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. दिस टू आर उनका ऑर्डर आ रहा है. गाइस म्यूनिक में मैं आ चुकी हूँ. प्राइमार्क पहली बार मैंने इतने व्लॉग्स में देखा था ये यूके के, बट फाइनली जर्मनी में प्राइमार्क आ चुकी हूँ. देखते हैं क्या मिलता है, कितने में. सुना है रेट्स बहुत अच्छे और सस्ते और अच्छे होते हैं, तो देखते हैं. गाइस लुक एट दिस, आई सो वांट टू टेक दिस बट आई डोंट थिंक आई कैन अफोर्ड दिस. बट दिस इज जस्ट अ 65 अप्रॉक्सीमेटली 6200 रुपीज. और ये कितना वार्म गर्म लॉन्ग कोट है, इट्स वेरी नाइस. एंड दिस इज मी इन ऑल ब्लैक, फेवरेट कलर हॉट पिंक एंड ब्लैक में उठा लिया. बट गाइस देखो कितना प्रिटी और सस्ते और अच्छा सामान है यहाँ पे. लाइक दिस रिटेल्स फॉर 14 यूरो, मीन्स अगेन अराउंड 1400 रुपीज़. इतना अच्छा पार्टी बैग है, क्वालिटी इज़ नाइस एज वेल, प्रिटी नाइस थिंग्स मैन. चलो 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 आज हम न्यू जगह देखेंगे. ओ चलो आपको क्या बेडरूम में जाके साथ में सुलाए किसको? सुलाने ना यार, देखे प्यार से तेरे घर आई है, लक्ष्मी आई है रे, मना करते हैं. कहाँ जा रही हो, पसंद नहीं है अगर डोर अदर एक्सप्लोरर है तो भाई सटल ही हो रही थी. भाई इसको देखो रूम के अंदर आ गया मस्त, जैसे कुत्ते नहीं सूंघते हर एक चीज क्या क्या है, इसको भी हर चीज जाके कोने में देखने की क्या है. देख रही है ये क्या है, तो हीटर है. बिल्लू शी इज गिविंग यू फूड, गो आउट. ओए बिल्लू बैठ गई, ये तो कह रही है कि अरे चुपचाप बैठी है, कह रही है कि मुझे दूध दे दो, कुछ तो दे दो, आई हूँ पहली बार आई हूँ घर, ऐसे खाली हाथ भेजोगे क्या? मैं सर की कहा दीदी दीदी बोलनी है ना, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो दीदी 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 पहली बार घर आई हूँ दीदी, ऐसे थोड़ी बोलनी है. तो क्या वो लेके आए क्या, अब लेके मैं भिखारी होगी तरह, कुछ दे दे, कुछ तो होगा प्लास्टिक का. भाई तेरी मर्जी, तेरी कटोरी है भाई, तो साफ हो जाएगी, तो दे दो भाई आपकी श्रद्धा है. अरे थैंक यू सो मच दीदी, आपका भला हो, आपने मुझे दूध दिया, दूध आपका इतना ज्यादा, आपने मुझे पानी मिला के दे दिया इतना, बट कोई बात नहीं, आपकी श्रद्धा सामग्री के अकॉर्डिंग हम पी रहे हैं. क्या एक्सेंट ये कैट एक्सेंट है, देख लो इतना सा पिएगी बस, देखो. ओह डोरा द एक्सप्लोरर इज बैक अगेन. अरे दूध छोड़ो पहले मैं थोड़ा रूम तो देखूं. नो नो अपने लिए जगह तो उसकी बेड के नीचे घुस गई, जगह बना ली, जगह बना ली. कैसे बताऊं क्या क्या दिखाऊं समझ नहीं आता. रैंडम क्लिप्स दिखाती तो हूँ मैं जर्मनी की, बट दिखाना चाहिए सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी. कभी ट्रेन पकड़ने के समय भागते भागते पैरों का दर्द निकल जाता है, एंड फिर मम्मा नहीं होती मालिश करने के लिए, तो कभी कभी सो के उठी और एकदम से ना मुड़ी, मुड़ते ही यहाँ पे वो झटका सा लग जाता है ना, मसल पुल है या पता नहीं क्या है, पर वो हो गया. इतना एक्सट्रीम पेन है दैट आई कैन नॉट टर्न माई हेड राइट एनी मोर, मुड़ ही नहीं सकता, मुड़ती हूँ तो बहुत एक्सट्रीम पेन होता है. सो जस्ट वॉल ही नहीं लगाया, इसको ऐसे बांध के बैठी हुई हूँ बहुत देर तक, ऐसे हीट पैड से, हीट पैड भी आ रखा था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. लाइक वॉट एक दिन आराम से घर पर बैठने का छुट्टी थी, सैटरडे था, सीधे बैठ के आराम से लैपटॉप पे देखना था, लेट के देखना था, बस ऐसे अटक के बैठी हुई हूँ. बट वन गुड थिंग इज द सन, दो हफ्ते बाद निकला है तो बहुत अच्छा सा लग रहा है. आई लव स्मॉल लाइट्स, द लाइट आई पुट्स एट द टाइम ऑफ दिवाली, दैट्स हाउ इट लुक्स. And look at that sky. So yes, the sky looks very different every day. The sunset just happened and it's just 4:30 in the afternoon. And aaj aasman kafi khali hai. Aajkal nahi to roz barish ho rahi hoti hai. But and it's very clear. But yeah, cluster of clouds down there. Abhi aur bahut pretty ho jayega. I'm gonna put lights here as well. And Christmas aa raha hai, to sab kuch lit hone wala hai. सो गाइस दिस इज द फन थिंग, इसमें हम प्लास्टिक बॉटल्स और ग्लास की बॉटल्स, बियर बॉटल्स एक्सेट्रा डालते हैं, तो हमें 25 से 50 सेंट्स के बीच का कुछ है, 10 सेंट का कुछ और मिलता है. व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग,
They don't accept only these products. हम पहले गए थे आर्ली में, वहाँ पे ना कुछ हार्ड प्लास्टिक नहीं एक्सेप्ट करते, तो हम एडिका आए हैं. लेट्स ट्राई अवर लक. 0.15 सेंट्स कमा लिए, तो बेसिकली इनमें स्लिप निकलेगी. वो स्लिप मतलब बिल के समय यूज कर सकते हो. थैंक यू. कैन यू यूज दिस इन एडिका ओनली? ओनली इन एडिका. But you can get but money back without buying something. But with Edeka only, no. I cannot buy it from any other grocery store and give it there. You can give it back. Only give it back. Oh, only give money. Oh, Silia guys. Mere confusion se tha, apne bhi confusion se tha. I'm telling the vlog like how it's done. So. ये मिल गया है, मेरे को पैसा के अंदर देना है, वो मुझे दे देंगे पैसा, मैं जो मर्जी दूँ. जबकि इसकी कुछ खास वैल्यू है नहीं, 0.50 सेंट्स की. ठीक है, वो मुझे साबर बनता है.